एक तरफ जहां हरियाणा के पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से धरना देकर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पानीपत के ओलंपिक चैंपियन और भाला फेंक में ओलंपिक का गोल्ड जिताने वाले नीरज चोपड़ा ने 2023 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करते हुए गोल्ड से की है। नीरज चोपड़ा ने दोहा में खेले जा रहे डायमंड लीग के ओपनिंग लीग में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा जीती है। नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर दोहा डायमंड लीग प्रतियोगिता को जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। इस दौरान वो 90 मीटर का बेंचमार्क पार करने से थोड़ा सा चूक गए, लेकिन पहले ही थ्रो में हासिल की गई 88.67 की उनकी दूरी उन्हें खिताब दिलाने के लिए काफी रही। दोहा की मुश्किल भरी परिस्थितियों में कोई और एथलीट इस रिकॉर्ड को पार नहीं कर सका। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले जाकूब वाडलेक ने इस प्रतियोगिता में भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, जो कि नीरज चोपड़ा के थ्रो से महज 4 सेंटीमीटर पीछे रह गए थे। जाकूब ने 88.63 मीटर का थ्रो फेंका, तो वहीं पर विश्व चैंपियन एडर्सन पीटरसन ने अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो 85.88 मीटर का फेंका। कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रिपल जंप चैंपियन एल्डो हेस पॉल ने डायमंड लीग में अपना डेब्यू किया, लेकिन 11 लोगों की इस प्रतियोगिता में 10वें पायदान पर रहे, जिनका बेस्ट थ्रो 15.84 मीटर का रहा। नीरज चोपड़ा ने सितंबर 2022 में स्विट्जरलैंड में खेली गई डायमंड लीग ट्रॉफी के फाइनल का खिताब जीता था। गौरतलब है कि 2023 डायमंड लीग में 13 मीटिंग शामिल हैं, जो दोहा इवेंट से शुरू होकर 16-17 सितंबर को यूजीन में खेले जाने वाले 2 दिवसीय डायमंड लीग फाइनल तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।